नमस्कार, मैं माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। एक बार फिर मैं हाजिर हूं बॉलीवुड की खबरों के साथ। करिश्मा कपूर बॉलीवुड के कपूर खानदान की पहली बेटी है जिसने अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा में न केवल एक अपनी अलग छाप छोड़ी बल्कि सिनेमा में कदम रखने वाली कई अभिनेत्रियों के लिए प्रेरणा भी बनी। करिश्मा कपूर अब भले ही पूरी तरह से सिनेमा में सक्रिय ना हो, लेकिन उन्होंने 90 के दशक में एक से बढ़कर अच्छी और मुश्किल किरदारों से दर्शकों के दिलों को जीता था। इस खास मौके पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। 25 जून 1974 को जन्मी करिश्मा कपूर उस कपूर खानदान से है जिसे हिंदी फिल्मों का प्रथम परिवार कहा जाता है। करिश्मा का निकनेम लोलो है। करिश्मा की नानी का नाम गीना लोलो ब्रिकेडा था और यहीं से लोलो नाम करिश्मा की मां बबीता ने लिया। करिश्मा ने जब बॉलीवुड में एंट्री ली तो उनके लुक को लेकर काफी मजाक बनाया गया। किसी ने उन्हें लेडी रणधीर कपूर कहा तो कुछ ने कहा कि वे लड़के जैसी दिखाई देती हैं। लुक के लिए आलोचना के बावजूद करिश्मा को साइन करने के लिए निर्माताओं की होड़ मच गई। इसके पीछे उनका कपूर खानदान से होना था। करिश्मा कपूर की पहली फिल्म प्रेम कैदी सफल रही और 1992 में करिश्मा कपूर की 6 फिल्में रिलीज हुई। करिश्मा की दूसरी फिल्म पुलिस ऑफिसर थी जिसमें वे जैकी श्रॉफ की नायिका थी। फिल्म देखने के बाद करिश्मा के चाचा ऋषि कपूर ने कहा था कि फिल्म में जैकी करिश्मा के अंकल नजर आते हैं। 1994 में आई राजा बाबू में करिश्मा कपूर और गोविंदा की जोड़ी बेहद पसंद की गई। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की जो बॉक्स ऑफिस पर अत्यंत सफल रही। करिश्मा ने उस दौर के सारे कलाकारों सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सनी देओल, गोविंदा, अक्षय कुमार, अजय देवगन और जैकी श्रॉफ के साथ फिल्में की। 1996 में आई राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। पहले यह फिल्म ऐश्वर्या राय करने वाली थी लेकिन बाद में करिश्मा उनकी जगह आ गई। करिश्मा को डेविड धवन अपने लिए भाग्यशाली मानते थे। डेविड के साथ करिश्मा ने राजा बाबू, अंदाज, कुली नंबर 1, जुड़वा, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, चल मेरे भाई जैसी फिल्में की जिसमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। दिल तो पागल है में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकारों की तुलना में छोटा रोल होने के बावजूद करिश्मा ने बेहतरीन अभिनय किया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। करिश्मा को राजा हिंदुस्तानी और फिजा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। वहीं करिश्मा के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिल्मों में काम करने के बाद एक्ट्रेस अब डिजिटल स्पेस में भी कदम रख चुकी हैं। वेब सीरीज मेंटलहुड में नजर आई थी। वहीं 2002 में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई हुई जो कुछ महीनों में टूट गई। 2003 में करिश्मा ने इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर से शादी रचाई। करिश्मा और संजय की एक बेटी समायरा और एक बेटा कियान है। शादी के कुछ वर्षों बाद दोनों के बीच संबंध खराब होते चले गए और दोनों ने 2016 में तलाक ले लिया। फिलहाल करिश्मा कोई फिल्म नहीं कर रही हैं। उनके फैंस इस इंतजार में हैं कि कब करिश्मा को वे सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएंगे। करिश्मा कपूर को अक्सर उनकी गर्ल गैंग के साथ हैंग आउट करते देखा जाता है। इस खबर के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।